हम लोग जहाँ आए हैं, ये स्थान का नाम गुंडीचा मंदिर है। क्या मंदिर है? गुंडीचा मंदिर। वो कहाँ गए? अरे बच्चा, वो कहाँ गए? हरे कृष्ण। ये गुंडीचा मंदिर है। कहते इसका नाम गुंडीचा मंदिर क्यों नाम पड़ा? कहते श्री जगन्नाथ मंदिर को राजा प्रताप रुद्र श्री क्या नाम राजा इंद्रदुम्न ने ये जगन्नाथ मंदिर को बनाया। लेकिन जगन्नाथ मंदिर बनाने का जो मूल जो थे ये गुंडीचा, उनकी पत्नी का नाम थी गुंडीचा देवी। एक समय कुछ साधु चातुर्मास में भ्रमण करते करते पुरी में आए। उन्होंने सत्संग किया और राजा और रानी दोनों कथा सुनने के लिए आए। उन्होंने बताया, बोले देखो हम तो सब जगह में गए लेकिन सबसे जो हमें बढ़िया लगा श्री नील माधव। जैसे वृंदावन धाम है वहां पर भी सुंदर, वहां पर भी पेड़ पौधा। जैसे वृंदावन में जमुना वहां महानदी, जैसे वहां पर गिरिराज गोवर्धन, वहां पर भी सुंदर एक पहाड़ ऊपर में उनकी चरण से गंगा निकल रही है। हमको सबसे सुंदर श्री नील माधव लगे, बड़े सुंदर ठाकुर जी। राजा रानी तो कथा सुन करके आए, लेकिन रात को जब सोए ना, गुंडीचा राजा की जो पत्नी गुंडीचा देवी थी बोली, साधु लोग बोल रहे थे एक नील माधव बड़ा सुंदर कहीं ठाकुर जी है, कल हम पूछेंगे वो नील माधव कहाँ है। हम सबके सब कल श्री नील माधव पूछ करके दर्शन करने के लिए जाएंगे। लेकिन वो रमते जोगी बहते पानी, रात को तो कथा की लेकिन वो राता रात ना छोड़ कर कहीं चले गए। जब वो छोड़ करके चले गए वो साधु मिले ही नहीं, कहां पर उन्होंने दर्शन, कहां पर जाना क्या करना। इतने में राजा ने बताया, बोले चलो। उनने चारी तरफ में उनने दूत को भेज दिया। एक विद्यापति नाम ब्राह्मण था, इन्होंने ही श्री नील माधव को पता लगाया और राजा को लेकर के श्री नील माधव दर्शन कराने के लिए गए। तो ठाकुर जी अंदर ध्यान हो गए, आकाशवाणी हुई, बोले ये नील माधव स्वरूप से तुम्हारी दर्शन नहीं होगा। मैं बांके मुहानी जहां पर हम रुके हुए, जो चक्र तीर्थ स्थान का नाम है, वहीं पर मैं दारू ब्रह्म बन करके आऊंगा, लकड़ी रूप में बहते बहते आऊंगा, उसी लकड़ी से ही मेरे रूप तुम लोग को बनाना है। तो उन्होंने लकड़ी से ही उन्होंने श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को दारू ब्रह्म रूप में स्थापन किया। जब मंदिर बन गया, अभी सारा दुनिया किसका नाम लेंगे, किसका नाम लेंगे, राजा का नाम लेंगे। राजा नहीं, राजा प्रताप रुद्र, हाँ राजा श्री इंद्रदुम्न महाराज ने ये जगन्नाथ मंदिर बनाया। इंद्रदुम्न महाराज की, सारा दुनिया तो राजा का नाम लेगा लेकिन रानी का नाम कोई नहीं लेगा। लेकिन वो जो ठाकुर जो प्रकाशित हुए हैं और रानी की वजह से ठाकुर जी प्रकाशित हुए, रानी का नाम कोई नहीं लेगा। इसलिए राजा सोचा ऐसे एक स्मृति बना करके जाओ, जब तक दुनिया रहेगा कम से कम मैं रानी का भी नाम ले, क्योंकि उनकी इच्छा से ठाकुर जी प्रकट हुए। फिर ये जो मंदिर है उनका नाम से ये मंदिर का नाम पड़ गया गुंडीचा मंदिर, उनकी पत्नी का नाम से गुंडीचा मंदिर। ये स्थान को माना जाती है वृंदावन, और जहाँ जगन्नाथ जी रहते हैं वो स्थान को मानी जाती है द्वारका। कृष्ण वृंदावन छोड़ करके तो गए, गोपियों को, ब्रजवासियों को, सखाओं को, राधा रानी को, बोले कब आओगे, बोले आज जा रहा हूं, कल कंस को मार करके परसों आ जाऊंगा। लेकिन परसों बोल करके परसों बीत गया, परसों तो बोल कर गए लेकिन कृष्ण नहीं आए। लेकिन कृष्ण रहते तो द्वारका में, लेकिन दिन रात ब्रजवासियों को याद करते रहते हैं। सोते हैं रुक्मिणी सत्यभामा के पास में, लेकिन रोते हैं वृंदावन वासियों के लिए। इतने आंसू बहाते हैं, वो आंसू बहाते बहाते तकिया को गीली कर देते हैं। हाँ, राधा रानी को, ब्रजवासियों को, मैया जसोदा को याद करते करते। इसलिए जगन्नाथ जी की इच्छा होता है मैं एक बार कम से कम वृंदावन में साल में एक बार जाऊं। इसलिए जगन्नाथ जी को एक स्नान यात्रा होता है, रथ यात्रा से पहले 15 दिन पहले जगन्नाथ जी की
स्नान यात्रा होता है। जगन्नाथ जी को इतने स्नान कराते हैं, इतने पानी डालते, जगन्नाथ जी को बुखार आ जाता है। लेकिन ये बुखार नहीं, वो प्रेम का बुखार है। क्योंकि अगर एक राजा, एक व्यक्ति का अगर दो पत्नी हो जाए ना, एक व्यक्ति का दो बीवी हो जाए, अगर वो पति बोले उसी पत्नी को पास में मैं जा रहा हूँ, पत्नी क्या बोले, वही जा, यहाँ आने का जरूरत नहीं, वही रहा कर। इसलिए अगर लक्ष्मी को बोलेंगे हम गोपियों को पास में, राधा जी को पास में जाना चाहते, लक्ष्मी तो खाना पीना ही हराम कर देगी। हाँ, उनको रोटी बना करके, चावल बना करके नहीं खिलाएगी, बोले खुद बना करके खाओ, वो उसको पास में जाओगे ना, वही बना करके खिलाएगी। इसलिए जगन्नाथ जी डरते हुए क्या करते हैं, लक्ष्मी को बहाना बनाते हैं बुखार, लेकिन बुखार नहीं, लक्ष्मी को 15 दिन तक उसको मनाने के लिए लगता है, हाथ बुला करके घुमा करके और उसको समझाते हैं, कल देख मैं ज्यादा दिन नहीं, 1-2 दिन के लिए केवल जाऊंगा, ज्यादा दिन के लिए नहीं जाऊंगा। इसलिए उन्होंने बहुत उनको लक्ष्मी को सर पर हाथ बुला करके अकेला उसको साथ में 15 दिन तक उसको समझाते हैं। लक्ष्मी कहती है ठीक है जाओ, बोले कब आओगे, बोले ज्यादा दिन थोड़ी, 1-2 दिन के लिए जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा, प्रेम तो मैं तेरे को करता हूँ ना, थोड़ी वहां प्रेम करता हूँ, तेरे साथ में रहता हूँ, 1-2 दिन के लिए केवल मैं जाऊंगा। लेकिन वो 1-2 दिन के लिए तो आते हैं, लेकिन जब 5 दिन के लिए जगन्नाथ जी नहीं आते हैं, लक्ष्मी को तो बड़ा क्रोध आता है। लक्ष्मी अपना सत धज करके, अपना सैन्य सामंत को लेकर के आती है, और जो जगन्नाथ जी का रथ यहाँ खड़ा होता है, एक पहिया लक्ष्मी तोड़ देती है, घुसा को मारे अंदर में जाती है, सिंहासन में बैठी जाती है, बैठ करके अपना जितने चले हैं, कहती ये सब गोप, उनको दो जाते हैं, एक है विद्याबसु विद्यापति और एक है श्री विश्वाबसु। हैं, ये विश्वाबसु का जो बेटी थी ललिता, ये ललिता की वंश से जो आते हैं उनको गोपियों की वंशधर मानी जाती है, और विद्यापति ब्राह्मण है, इनकी वंश से जो आते हैं उनको द्वारका वासी उनको मानी जाती है, ये होते लक्ष्मी के पक्ष में है। इसलिए उन्होंने कहते ये गोपियां हमारे पति को जोर जबरदस्ती यहाँ पर रखे, उनको पकड़ पकड़ कर ले आओ, और सचमुच से उनको पकड़ पकड़ करके लक्ष्मी को चरण में गिराते हैं, और लक्ष्मी को चरण माफी मांगती है, बोले आपको पति को हम 1-2 दिन में भेज रहे हैं, हमारा अपराध हो गया, लक्ष्मी चली जाती है। लेकिन जगन्नाथ जी कितने दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में वापस जाते हैं। जब वापस जाते हैं ना, लक्ष्मी दरवाजा बंद कर देती है, बंद कर देती है। पहले बलदेव प्रभु जाते हैं, वो जेठ लगते हैं, अपना मांगा ली सब, हाँ हिंदी बुझते मैं तब एक्टर कितना भालक नहीं बुझते, सिनेमा देखते सब सीखे थे। इसलिए वो बलदेव प्रभु लगते हैं जेठ, हैं जेठ लगते हैं, इसलिए जेठ को सबको डरते हैं, जेठ को पर्दा करते हैं। जब बलदेव प्रभु आते हैं, बोले कौन आए, अपना सखियों से लक्ष्मी पूछती है, बोले तुम्हारी जेठ आ गई, बोले जेठ आ गई, दरवाजा खोल दो, दाऊ भाई आए ना, जेठ खोल दो। उसके बाद में सुभद्रा जाती है, बोले कौन आए, बोले तुम्हारी ननद आई, अब पता ननद कितना तेज होती है, तेज ननद, बोले ननद को भी दरवाजा खोल दो, बोले कौन आ रहे, बोले तेरे खसम आ रहे हैं, बोले तुम्हारे पति आ रहे हैं, जगन्नाथ जी, बोले दरवाजा बंद कर दो, उनको घुसने नहीं देती। इतने में लक्ष्मी प्रश्न करती है, कितने दिन के लिए गए थे, 2 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 2 दिन बोल करके 15 दिन हो गया, हैं? क्या कर रहे थे जगन्नाथ जी ना, राधा रानी की जो मान है ना, दुर्जय मान है, राधा जी की मनाना कोई साधारण बात नहीं, लेकिन जो राधा रानी के मनाने वाले लक्ष्मी को मनाने के लिए कोई ज्यादा समय नहीं, वो चुटकी बजा के मना देंगे। उनको पता है अगर स्त्रियों को खुश करना चाहते हैं ना, 3 चीज से जल्दी खुश कर सकते हो। अब जो पुरुष लोग पति लोग सुन लो, पहला चीज ये उनके लिए बढ़िया साड़ी ले आओ, वो जो साड़ी पसंद करते हैं, बुझते वर्षे तो बोले माए तेरे पसंद करते के लिए 3 जिनिस दिए तेरे तेरे खुशी करते बारे में, एक वाला जब साड़ी बड़ा पसंद करे, यदि वो तेरे मन पसंद है तो साड़ी देते बारे में तो वो खुश हो जाए। और द्वितीय जिनिस वाला जो अलंकार गहना पड़ जाए, अलंकार पड़ते जाए, यदि भालो अलंकार तेज नहीं आते बारे में, और जो चाय
भालो रसगोला नहीं आसते हाँ गांगुली रसगोला। इसलिए कहते स्त्रियों को खुश करना तीन चीजें खुश कर सकते हो। जगन्नाथ जी बहाना बनाते, बोले क्या कर रहे थे? जगन्नाथ जी बहाना बनाए, बोले देखो जब विदेश में गया है खाली हाथ से थोड़ी आ सकता हूँ, तेरे लिए लिए बगैर कुछ आ सकता थोड़ी, विदेश गया ना तेरे वजह से तो देरी होगी। बोले मेरे वजह से क्या? बोले तेरे लिए मैंने, तू जो साड़ी लाइक करती है ना बनारसी जिसमें सोने की जरी की एम्ब्रॉयडरी का काम है, बनारसी साड़ी मैंने ऑर्डर दिया था, और तेरे लिए सोने की गहना जयपुर सोना की गहना एकदम शीर्ष चरण से लेकर सर तक बढ़िया बढ़िया तेरे लिए गहना लाया हूँ, और मैंने ऑर्डर दिया था, मेरे को क्या पता इतना लेट कर देगा है? वो इसलिए तो लेट हो गया, मैं जल्दी जल्दी आ रहा था है? लेट हो गया। जब लक्ष्मी सुनती है मेरे लाए की बढ़िया साड़ी लाए है बनारसी साड़ी, हर कौन सा नील रंग की साड़ी, लक्ष्मी गोरी है ना और नील वस्त्र अच्छी लगती है, नील रंग की साड़ी फिर मेरे मन पसंद उन्होंने गहना। बोले और क्या लाया जानते हो? बोले क्या लाए? बोले एकदम स्पेशल रसगुल्ला है बंगाल का, हाँ गांगुराम दुकान का रसगुल्ला लाया, बढ़िया रसगुल्ला ऑर्डर देकर तुम्हारे लिए लाया। जब इतना जगन्नाथ जी बोलते है ना लक्ष्मी का मुंह से तो पानी आ गया, पानी आ गया। बोले गए तो लेट तो किया लेकिन मेरे लिए उन्होंने बढ़िया बढ़िया साड़ी है ना और कपड़ा रसगुल्ला लेकर गया है। लक्ष्मी खुश हो जाती है, दरवाजा खोल दो। फिर दरवाजा खोलती है, लक्ष्मी जगन्नाथ जी को आरती उतार करके अंदर में ले जाती है। इसलिए यहाँ पर श्री जगन्नाथ जी 9 दिन तक श्री जगन्नाथ जी यहाँ पर रहते हैं। और हमारा उड़ीसा देश में को पोड़ो पीठा होता है, इसको मासी बाड़ी कहते हैं। ये जगन्नाथ जी का मासी बाड़ी भी है, हम मौसी मौसी का घर है। और उड़ीसा में एक प्रसिद्ध है वो जो पीठा जानते हो, जो केक कहते हो, जिसको बंगला में पीठा पना बोलता है। बंगला में हमारे उड़ीसा से एक ये है एक अलादा ना एक पीठे है वोटा बोले पोड़ो पीठा, बोले बंगला बोले पोड़ो पीठा वोटा बोले। यहाँ ये पोड़ो पीठा उड़ीसा में बड़ा प्रसिद्ध है। जगन्नाथ जी ये मासी घर में पोड़ो पीठा खाने के लिए आते हैं, जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है। इसी मंदिर में 9 दिन तक जगन्नाथ जी रुकते हैं। और यहाँ पर जब श्री जगन्नाथ जी यहाँ रुकते हैं इसका इतने पुण्य है, जगन्नाथ जी मंदिर को साल भर तक दर्शन करो उसमें जो तुम्हें फल पुण्य मिलेगा। अगर जगन्नाथ जी जब यहाँ पर रहते हैं एक दिन, अगर श्री जगन्नाथ जी को यहाँ दर्शन कर लिया, एक साल दर्शन करने का फल, एक दिन दर्शन करने का फल मिलता है। बोले क्यों? बोले यहाँ पर जगन्नाथ जी ये वृंदावन है, वृंदावन में जगन्नाथ जी अपना गोप गोपी राधा रानी मैया जसोदा नंद जसोदा और ग्वाल बालों के साथ में यहाँ पर जगन्नाथ जी रहते हैं। इसलिए ये स्थान को श्री वृंदावन माना जाती है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब श्री जगन्नाथ जी को रथ यात्रा को सामने, रथ यात्रा में जगन्नाथ जी को सामने नृत्य करते करते बोले वही आप मेरे प्राण प्यारे हो, बड़े दिनों से आपके साथ में हमने नहीं मिला, ये बड़े दिनों के बाद में कितना 100 साल के बाद में आपको साथ में हमारी मुलाकात हो रही है। महाप्रभु राधा जी के भाव में विभावित तो होकर के रथ को खींचते खींचते यहीं पर ले आते थे और जगन्नाथ जी यहाँ पर 9 दिन तक रहते हैं ब्रजवासियों के साथ में, पर यहाँ से जगन्नाथ जी वापस चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु अपना भक्तों के साथ में रथ यात्रा से एक दिन पहले आकर के महाप्रभु अपना भक्तों को साथ में अपना हाथों से यहाँ पर मंदिर को साफ करते हैं। महाप्रभु अपना परिकरों को साथ में, क्योंकि जगन्नाथ जी कृष्ण है, ये मंदिर से वृंदावन है। अभी ठाकुर जी बैठेंगे सिंहासन में लेकिन हमारा हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हमारे हृदय में बहुत सारे अनर्थ है, हमारे हृदय में अपराध है, ऐसे गंदे हृदय में ठाकुर जी नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के सारे धूल कंकर और लास्ट में महाप्रभु पानी दे करके और उसको साफ करते हैं। अगर कोई स्पॉट रह जाता है ना, महाप्रभु अपना उत्तरी को निकाल करके उसमें घीस घीस करके उसको निकालते हैं। मतलब जब तक हृदय एकदम पवित्र नहीं हो जाए, जब तक हृदय में तरह तरह का कोई कर्म ज्ञान जोग भोग की वासना रहे, लाभ पूजा प्रतिष्ठा
तब तक जगन्नाथ जी हृदय में कभी बैठ नहीं सकते हैं। इसलिए महाप्रभु अपना परिक्रम को साथ में आकर के उन्होंने यहीं पर उन्होंने जगन्नाथ अपना हाथों से मंदिर मार्जन करते थे। बोले श्री गुंडीचा मंदिर की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोलो तुम्हारा।